कैसे हैं आप? आई की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेथी के पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने मेथी ली है 1 कप। इसको साफ करके अच्छे से धो के और इसका पानी निकाल दिया है। ये मैंने आलू छोटे छोटे काट के, प्याज छोटा छोटा काटा है, धनिया और हरी मिर्च, कुछ मैंने मसाले लिए हैं, अमचूर, गरम मसाला, नमक, मिर्ची और ये बेकिंग पाउडर। हम मेथी में सारा सामान डाल के नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, अब हम इसको मैश कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे, जितनी देर में मैं ये मिक्सचर तैयार कर रही हूँ उतनी देर में। इधर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, कोशिश करो दोस्तों इसमें पानी ना डालो, डालना ही है तो थोड़ा 1-2 चम्मच जरूरत हो तो, नहीं तो पानी से इसका टेस्ट अलग हो जाता है। तेल गरम हो गया और मेरा इधर पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया। अब मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ। मेथी थोड़ी कड़वी होती है दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें आलू और प्याज लगा दिए हैं, जिससे इसकी कड़वाहट बैलेंस हो जाएगी। मीडियम आंच पे इसको हम पका लेंगे। सुनहरा होने तक
मेरे मेथी के गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे। बना के खा के देखें, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।